नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लगातार लखनऊ में जल रिसाव के कारण सड़कें बैठ रही हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय के पास का है, जहां ड्रेनेज में रिसाव होने के कारण तकरीबन 10 फीट गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि यह गड्ढा बीती रात हुआ, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ड्रेनेज में रिसाव होने के कारण लगातार मिट्टी खिसक रही थी, जिसकी वजह से ये रोड बैठ गई। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना था कि मेट्रो द्वारा विद्युत की लाइन डाली गई थी, जो कहीं ना कहीं ड्रेनेज में होल कर दिया है, जिसकी वजह से भी लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जलकल विभाग का मामला है, अंडर ड्रेनेज से रिसाव हो रहा है। जैसे ही नाले का कार्य जलकल और नगर निगम द्वारा कर दिया जाएगा, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क निर्माण के लिए तैयार हैं। राजधानी लखनऊ में सड़कों के धंसने का मामला थम नहीं रहा है, तो राजधानी वासी कैसे मुस्कुराएं कि वो लखनऊ में है, क्योंकि उन्हें अपनी आँखों को खोल के चलना पड़ेगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जगह लखनऊ महमूदा मार्ग कहलाता है, और यहाँ के आसपास में लखनऊ विश्वविद्यालय, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बंगला है, और उसके बगल में एक बड़ा सा होल हो गया है, और वो होल मेन मुख्य मार्ग पर हुई है। लोक निर्माण विभाग की सड़क है ये, हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे में कि ये जो सड़क है ये मुख्य मार्ग कहलाता है, यानी कैसर बाग की तरफ से ये मार्ग आता है और सीधा महमूदाबाद की तरफ यानी IT चौराहे की तरफ जाता है और लखनऊ विश्वविद्यालय होता हुआ जाता है। ये सड़क में जो होल आपको देखने को मिल रहा है, ये होल जल रिसाव के कारण हुआ है, यानी सीवर, यहाँ पर जो सीवर लगाया है, सीवर बना हुआ था, उस सीवर में कहीं ना कहीं जल रिसाव लगातार कई महीनों से हो रहा था। जब हमने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये नीचे जो प्रथम दृष्टया इसमें जो समस्या आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कत ये थी कि यहाँ पर लगातार जल का रिसाव हो रहा था। एक बार कहेंगे कैमरा मैन से कि जूम करके दिखाएँ कि जल रिसाव दिखे, अभी भी पानी वहां से निकल रहा है। हालांकि जलकल विभाग के टीमें मौके पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बड़े हादसे को दावत देता हुआ जिस तरीके से लखनऊ में सड़कों के धंसने का मामला लगातार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हो या लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, लगातार वो कोशिशें करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मातहत हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो उनके मंसूबे हैं उनको पलीता लगाते हुए बाज आते हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले विकास नगर में 3 बार सड़कें धंसती हैं, क्योंकि वहां पर ट्रंक लाइन का निर्माण कराया गया था सन 2012 में, और 2012 के बाद से जितनी बड़ी सीवर लाइन वहां पर डाली गई थी, उन सीवर लाइनों के बगल से लीकेज हो रहा है, और उस लीकेज की वजह से बरसात में वहाँ लगातार रिसाव जारी है। तो हम एक बार ले चलेंगे अंदर आपको, जहाँ पर जलकल के विभाग के लोग काम कर रहे हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गड्ढा कितना बड़ा रात में हुआ है। अगर कोई राहगीर इस जगह पर होता तो उसको काफ़ी चोट आ सकती थी। हालांकि जलकल विभाग यहां पर लगा हुआ है। लोक निर्माण विभाग की अगर बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग ने कहा कि जब जलकल यानी सीवर मेंटेनेंस का कार्य कर देगा तो उसके बाद रोड को भरपाई कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। फिलहाल अभी जिस तरीके से इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं अभी इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी 2 घंटे के अंदर यहाँ पर कार्य करा दिया जाएगा। हालांकि एक बार हम और कहेंगे कैमरा मैन से कि जूम करा के देखें, क्योंकि जो अंदर केबल वगैरह डालने का काम किया जाता है, उस केबल की वजह से भी बड़ा गड्ढा होने का कारण बनता है। बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ सामने देखी जा सकती है, क्योंकि बिजली विभाग का भी ऑफिस यहाँ पर है, और बिजली विभाग का जो ऑफिस है वो ऑफिस कहीं ना कहीं यहाँ पर ST लाइन भी पड़ी हुई है, 11,000 की लाइन है, तो उस 11,000 की लाइन डालने के बाद किस तरीके से यहाँ पर भरान की गई, क्या हो सकता है, इसमें जांच के दायरे में लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग और नगर निगम, ये कहीं ना कहीं दायरे मार रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से सड़कों के धंसने का मामला लगातार उजागर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि कल बीती रात की ये घटना है, और जिस तरीके से 10 फीट गड्ढा हुआ है, हालांकि सभी अधिकारी हम मौके पर लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ नगर निगम, जलकल विभाग और संबंधित विभाग इस और कब तक अपनी दृष्टि को आकर्षित करते हैं, और कब इस रोड को राहगीरों के लिए बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ नितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।